रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये वीडियो दोस्तों के कहने पर और अपने मुशाहदे को मद्देनज़र रखते हुए बनाई है। इस वीडियो में फेस मास्क के इस्तेमाल और इस्तेमाल के बाद तलफ करने के हवाले से बात होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सबसे दरख्वास्त है कि इस्तेमाल शुदा मास्क को गली में और सड़कों पर इधर उधर मत फेंकें, ये नुकसान का बायस हो सकती है। व्यूअर्स, मास्क को इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल के बाद उतारते वक़्त हाथों को साबुन और पानी से ज़रूर धोएं या सैनिटाइज़र से साफ़ करें। मास्क पहनते वक़्त ये एहतियात ज़रूरी है कि उसमें कोई सुराख ना हो और फटा हुआ ना हो। मास्क पहनते वक़्त स्टिप्स को अपने हाथों की उंगलियों और अंगूठे की मदद से पकड़ें और नाक और मुंह के सामने रख कर स्टिप्स को कानों के पीछे से अच्छी तरह गुजार लें। मास्क पहनते वक़्त और इस्तेमाल के बाद उतारते वक़्त मास्क के सामने वाले हिस्से जो कि नाक और मुंह के आगे सांस के दौरान आता है, कतन मत छुएं। और इसी तरह मास्क उतारते वक़्त कानों के पीछे से हाथों की उंगलियों और अंगूठे की मदद से स्टिप्स के ज़रिए मास्क को उतारें, आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ी से नीचे ले जाकर उसको दरमियान में अंदर की तरफ तह लगाएं और इसके बाद एक और तह लगाएं और एक रोल की तरह बना दें। इसके बाद इस इस्तेमाल शुदा मास्क को स्टिप्स के ज़रिए पकड़े हुए एक टिश्यू पेपर या प्लास्टिक बैग में डालकर डस्टबिन में फेंक दें और तकरीबन 72 घंटे तक पड़ा रहने दें। उसके बाद सफाई वाले महकमे या खाकरूप को दें ज़ाया करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए। इस्तेमाल शुदा मास्क को डस्टबिन में फेंकने से पहले बेहतर है कि आम ब्लीचिंग सॉल्यूशन 5% या 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट में डुबोकर फिर डस्टबिन में फेंकें। मुख्तलिफ किस्म के फेस मास्क आजकल इस्तेमाल में आ रहे हैं, उनमें कपड़े से बना हुआ मास्क ना पहनने से बेहतर है। वो आपको बैक्टीरिया, पोलन और डस्ट से 50% तक बचाता है, लेकिन इंतहाई बारीक जरासीम से तहफ़ फराहम नहीं करता। सर्जिकल मास्क आर डिस्पोजेबल, शुड नॉट बी यूज फॉर मोर देन वंस और गीला होने पे फौरी तब्दील करें। दे कैन ब्लॉक लार्ज पार्टिकल ड्रॉपलेट्स, स्प्लैशेस, स्प्रेज विच मे कंटेन जर्म्स लाइक वायरसेस। सर्जिकल मास्क अपनी क्वालिटी और लेवल के हिसाब से आपको तकरीबन 95% तक 0.3 माइक्रोन साइज़ के जरासीमों के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। N95 मास्क, जिसे रेस्पिरेटर भी कहते हैं, N स्टैंड्स फॉर नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल और 95 मीन्स
इट फिल्टर्स अप टू 95% ऑफ टाइनी पार्टिकल्स अप टू द साइज ऑफ 0.3 माइक्रॉन। इस हवाले से मेरी एक वीडियो डिटेल से बनी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। एक दफ़ा चीज़ों को फिर दोहरा लें, फेस मास्क पहनते वक्त और इस्तेमाल शुदा मास्क उतारते वक्त हाथों को ज़रूर धोएं। मास्क के फ्रंट वाले हिस्से जो नाक और मुंह के सामने आता है उसको मत छुएं, और उसके बाद उसको उतार कर अंदर की तरफ तह लगा के प्लास्टिक बैग में डालकर डस्टबिन में फेंकें और 72 घंटे पड़ा रहने दें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।